हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड ग्रुप 15 का लेक्चर नंबर 5। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मूव करना है, किस तरीके से हमको चीज़ों को रिमेंबर करना है। रिमेंबर करना आपके ऊपर है, रिमेंबर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किस तरीके से लेक्चर को समझना है वो आप एक बार प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक लेक्चर को कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2-3 बार देखें और पॉइंट को समझें और उसको याद करने की अभी से कोशिश करें, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। समझ में आ रही है बात? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिखवाया था यहीं पर, कंपाउंड्स देख लेते हैं यहां पर, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारा क्या क्या था बच्चों? सबसे पहला हमारा कंपाउंड था N2, फिर दूसरा कंपाउंड था हमारा कौन सा बच्चों? यहां पर NH3। दूसरा कंपाउंड हमारा कौन सा था? NH3। तीसरा कंपाउंड हमारा क्या है बच्चों? यहां पर तीसरा कंपाउंड हमको पढ़ना था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और हमारा जो फोर्थ कंपाउंड था वो हमको पढ़ना था ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये सब के बारे में हमको पढ़ना था। आई होप कि आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें N2 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, NH3 के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब बचा हमारा कौन सा? हमारा बचा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो देख लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, देयर आर मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर आपके बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों नाइट्रोजन के आपके बहुत सारे ऑक्साइड्स आपके अवेलेबल है, ठीक है। There are many oxides of nitrogen. नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड्स आपके अवेलेबल है। उसमें से सम इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जनरल नॉलेज। तो अब हम समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड कौन कौन से बच्चों हमारे। सबसे पहला हमारा N2O, फिर उसके बाद हमारा आता है NO, फिर उसके बाद हमारा आता है N2O3, फिर उसके बाद हमारा आता है NO2, फिर उसके बाद आता है हमारा N2O5। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करना कैसे भूल सकता हूं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगा, सिंपल, आप लोग इस बात को समझो, याद रखो इस बात को। अब यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो यहाँ पर निकालो आप लोग। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आएगा बच्चों यहाँ पर +1, यहाँ पर कितना आएगा +2, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका +3। निकाल के देखो, मैंने आपको निकालना बताया, यहाँ पर आएगा +4, यहाँ पर आपका आएगा +5। तो अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी कहाँ होगा, यही होगा। तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा है, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा है। तो ये तो था कि हमारे ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं और उसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का कौन सा होता है? N2O5। तो अब हम एक एक करके सारे ऑक्साइड्स के बारे में डील करते हैं, एक एक करके सारे ऑक्साइड्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर ऑक्साइड? N2O सबसे पहला ऑक्साइड है, N2O। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों से जेई पूछेगा वो N2O, NO2 और N2O5 से पूछेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, याद ही करना है अभी के अभी, भूलना बिल्कुल नहीं है, कोशिश करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्साइड है हमारा यहाँ पर N2O। N2O का नाम क्या होता है बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोगों ने कई मूवियों में भी देखा होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक्चुअली में क्या होता है? लाफिंग गैस। क्या होता है एक्चुअली में ये आपका? लाफिंग गैस। तो ये आपका क्या होता है? लाफिंग गैस। इसको सूंघने के बाद हंसते रहोगे,
और ज्यादा सूंघ लिया तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, एक तरीके का लाफिंग गैस। अगर ज्यादा सूंघ लोगे तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, मतलब भगवान को प्यारे हो जाओगे, तो ज्यादा नहीं सूंघना है, हंसना भी कम है, ठीक है। तो देखो N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ध्यान रखो। N2O का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लिया हम लोगों ने। अब हम समझते हैं बच्चों इसका प्रिपरेशन मेथड। तो पॉइंट वाली बात ये है कि इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ N2O, N2O को प्रिपेयर कैसे करेंगे बच्चों, एक एक करके समझ लेते हैं। N2O को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है बच्चों, क्या करेंगे समझना बात को ध्यान से एक बार, और फोकस दिल लगा के कान को एकदम अच्छे से और मन लगा के एक बार इस पॉइंट को समझो। देखो अगर मैंने NH4NO2 को गर्म किया, NH4NO2 को गर्म किया, तो यहां से सबसे पहले पानी बाहर निकालो पानी बाहर, तो यहाँ पर कितना पानी बाहर निकलेगा, 2H2O, और क्या बनेगा, N2 गैस। क्या N2O बना, नहीं बना। लेकिन अगर मैंने इसको लिया NH4NO3, अगर यहां से मैंने 2 मोल पानी निकाल दिया गर्म करते ही, तो सबसे पहले पानी बाहर निकलता है, बाकी और कुछ बाहर नहीं निकलता। सबसे पहला काम क्या है, पानी बाहर निकाल दो, रिएक्शन आदि कंप्लीट। तो पानी बाहर निकाल दिया, बचा क्या, N2O, तो ये आपका गैस हो गया। ऐसे प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली में इसका नाम क्या होता है, ये पहला प्रिपरेशन मेथड, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, और इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये दो आपके प्रिपरेशन मेथड है। ए पॉइंट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, काफी इजी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, N2O आपका क्या होता है, N2O की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। दिस इज अ कलरलेस गैस, ये आपको दिखता है नहीं दिखता, ये आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस गैस होता है, ये आपका कलरलेस गैस होगा सबसे पहला पॉइंट, ये आपका कलरलेस होगा, और ये आपका प्लीजेंट स्मेल होगा, हल्का सा लाइटली प्लीजेंट स्मेल। तो लाइटली प्लीजेंट स्मेल बोलेंगे, क्या, लाइटली प्रेजेंट स्मेल, लाइटली प्रेजेंट स्मेल के साथ होगा बच्चों, ठीक है, लाइटली प्रेजेंट स्मेल के साथ होगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट कॉजेस हिस्टेरिकल लाफिंग। हिस्टेरिकल लाफिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस हंसते रहना पागलों की तरह, क्या होता है, इट कॉजेस हिस्टेरिकल लाफिंग, ये आपका हिस्टेरिकल लाफिंग क्रिएट करता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, अगर ये हिस्टेरिकल लाफिंग क्रिएट करेगा इसकी वजह से, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो आप लोगों को अब बातें समझ में आ गई होगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्चुअली आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। अब ध्यान से समझना, मैं आपको अभी आपको एक तरीका बता देता हूँ कि ये दोनों जो ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल इन नेचर। ये दोनों ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल इन नेचर, ना ही एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, ये दोनों के दोनों ऑक्साइड आपके क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रल इन नेचर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दोनों ऑक्साइड आपके क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रल इन नेचर, और ये लाफिंग गैस होता है जो कि आपका क्या होता है, कलरलेस होता है, लाइटली प्रेजेंट स्मेल का होता है। इट कॉजेस हिस्टेरिकल लाफिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, लाफिंग गैस। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा समझो। अब इसको कैसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर सबसे पहले पानी निकाल दो, कितने मोल पानी निकाल सकते हैं, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। 2H2O निकालो तो चार आपका हाइड्रोजन निकला, 2 आपका ऑक्सीजन निकला, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बच गया ना एको, अगर एको बच गया इसका मतलब क्या बन जाएगा, N2O, इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2O, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। तो N2O का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ N2O समझ लेते हैं।
अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ N2O, N2O का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? सबसे पहले मैं आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्केलेटन, स्केलेटन हम लोग बनाएंगे, बना लिया मैंने। अब देखो, आप देखो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका ये तीन बॉन्ड, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, N2O का स्ट्रक्चर। ध्यान रखो, काफी अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का निखर के आएगा बच्चों, और काफी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। नाउ अब हम समझते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, सिलेबस में वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ N2O। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2O, N2O की केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या होती है बच्चों, समझ लेते हैं। तो यहां पर N2O की केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है बच्चों, कि अगर मैंने इफ आई एम, समझना ध्यान से, अगर मैंने सोडा अमाइड, इसको क्या बोलते हैं सोडा अमाइड, या फिर क्या बोलेंगे सोडियम अमाइड, ये भी बोल सकते हैं सोडियम अमाइड। अब बात समझ में आ गया, सोडियम अमाइड, अगर मैंने सोडा अमाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दी बच्चों, N2O के साथ करवा दिया, N2O के साथ करवाने पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझना ध्यान से, यहां पर बनेगा हमारा क्या, NaN3, सोडियम अजाइड, क्या बनेगा, सोडियम अजाइड, क्या बनने वाला है, सोडियम अजाइड, NaN3 बनेगा सोडियम अजाइड। अब सोडियम अजाइड के साथ साथ आपका क्या निकलेगा बच्चों, यहां पर NaOH निकलेगा, यहां पर आपका क्या निकलेगा बच्चों, NaOH निकलेगा। आप बात को ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड, यही दो ऐसे कंपाउंड है जिससे प्योर डाई नाइट्रोजन हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पिछले वाले टॉपिक को, नाइट्रोजन वाले कंसेप्ट को उठा के लेते हैं। नाइट्रोजन में जो मैंने पढ़ाया था प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन, उसको एक बार देखो कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड थे। अब उसको समझते हैं हम लोग, कि अगर मैं सोडियम अजाइड को हीट करूंगा, थर्मली डिकम्पोज करूंगा, तो यहां पर हमको जो नाइट्रोजन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्योर नाइट्रोजन। यहां पर हमको क्या मिलेगा, प्योर डाई नाइट्रोजन, कौन सा मिलेगा, प्योर डाई नाइट्रोजन। तो प्योर डाई नाइट्रोजन निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, सोडियम अजाइड या फिर बेरियम अजाइड, सोडियम अजाइड या फिर क्या बोलोगे बच्चों, बेरियम अजाइड। बात को ध्यान से समझो, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड होगा तभी हमारा क्या बनेगा, प्योर नाइट्रोजन। अब पॉइंट्स वापस कर लेते हैं। N2O का प्रिपरेशन करने का सबसे सिंपल तरीका, NH4NO3 गरम करो, पानी निकालो, N2O निकल जाएगा। N2O इज अ कलरलेस स्वीट प्लीजेंट स्मेल, तभी तो तुम लोग हंसते हो, इट कॉजेस द हिस्टेरिकल लाफिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस। नाउ स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों का बना दिया, और केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने एक ही बताया, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोडा अमाइड की रिएक्शन अगर मैंने N2O के साथ करा दी थी तो सोडियम अजाइड बनेगा। समझ में आया, इतना आप लोगों का N2O के बारे में है। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर NO, अब हम समझते हैं यहाँ पर NO के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आप लोगों का, देख लेते हैं NO के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पर NO को क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ पॉइंट, NO का नाम क्या होगा बच्चों, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ NO, प्रिपरेशन मेथड ऑफ NO, NO को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे समझते हैं, ठीक है। NO को प्रिपेयर करने का तरीका हमारा क्या होगा, उसके ऊपर फोकस करना है हमको, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करना है कि NO को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं, यहां पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, आप समझना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ
HNO3. This process is generally you use. This process is generally used to formation of HNO3. मतलब ये जनरली किसको फॉर्म करने के काम में आता है बच्चों? HNO3 के फॉर्मेशन में काम आता है. बट बात समझो, HNO3 के फॉर्मेशन में तो काम आता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज प्रोड्यूस NO गैस. नहीं आया समझ में? नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस वाला बोला. देखो समझते हैं, बड़े प्यार से समझेंगे, बड़े प्यार से. देखो अमोनिया की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवा दी तो यहां पर क्या बनेगा? NO प्लस H2O. ठीक है, इसको 4546 इस तरीके से ये आपका बैलेंस होगा. 4546 रिएक्शन, मैंने 4546 रिएक्शन के नाम से इसको याद कर लिया है. ठीक है, तो ध्यान रखना अमोनिया की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? NO और H2O. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या होगा? सेकेंड प्रोसेस अब ध्यान से समझना बच्चों, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का जो पहला प्रोसेस है, पहला जो रिएक्शन है वो यही होगा. ओस्टवाल्ड प्रोसेस का पहला जो रिएक्शन होगा वो 100% आई एम डैम श्योर कि यही होने वाला है. क्लियर हुआ कंसेप्ट? सिंपल है, ऑनगोइंग सिंपल है, बस एक दो बार अगर आप करोगे तो समझ में आ जाएगा. अब देखो अगला रिएक्शन जो है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देख लेते हैं बच्चों, यहां पर अगर मैंने NaNO3 की रिएक्शन किसके साथ करा दी? FeSO4 के साथ करा दी. किसके साथ करवा दी बच्चों? FeSO4 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया. मैं आपको बार बार दिलाऊंगा याद, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. एक्चुअली मैं रिएक्शन काफी रिपीट करता हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को यहीं से दिलाऊंगा याद और उसको लिंक करते रहना. इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन भी होता है ये. ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन भी होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन भी होता है बच्चों. ये एक्चुअली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का रिएक्शन भी है पहला. ठीक है, क्या होगा बच्चों बोलो जल्दी से. यहाँ पर NO3 है, NO3 आपका क्या बना लेगा सबसे पहले? यहाँ पर सबसे पहले Na आपका SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो NaHSO4 बना लेगा. बहुत सही बात है. Fe आपका यहाँ पर हो जाएगा Fe2SO4 होल्थराइज हो जाएगा, साथ में NO गैस निकलेगा और साथ में H2O निकलेगा. ये आपका होगा. देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ध्यान रखो ये रिएक्शन 100% आप लोगों से पूछी जा सकती है. और इस रिएक्शन से आपको क्या पता पड़ेगा? NO- का टेस्ट होता है इन ब्राउन रिंग टेस्ट. टेस्ट इज ओनली फॉर NO3- टेस्ट. ये केवल और केवल किसके लिए टेस्ट होता है बच्चों? NO3- आयन के लिए. किसके लिए होता है? NO3- आयन के लिए आपका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वापस से रिपीट होगा, तैयारी रखो, बार बार पढ़ो. ठीक है, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है? अगला रिएक्शन एक और है, बर्कलैंड अर्क मेथड. कौन सा? बर्कलैंड अर्क मेथड. तो देखोगे यहां पर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? बर्कलैंड अर्क मेथड. अब बर्कलैंड अर्क मेथड क्या होता है बच्चों? यहां पर समझना है बात को. बर्कलैंड अर्क मेथड आपका क्या होता है? बड़े ही प्यार से समझोगे. अब देखो बर्कलैंड अर्क मेथड में क्या होता है बच्चों? N2 को O2 के साथ रिएक्शन कराते फर्स्ट बर्कलैंड अर्क मेथड में कौन सा स्टेप बेटा? ओनली फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं. बर्कलैंड अर्क मेथड के टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री केल्विन से बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रिक स्पार्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है. किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? इलेक्ट्रिक स्पार्क की रिक्वायरमेंट. तो यहां पर NO गैस बनता है. कौन सा गैस बनता है? NO गैस. तो ये तो कुछ थे प्रिपरेशन मेथड. कौन कौन से थे? ओस्टवाल्ड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड बर्कलैंड अर्क मेथड. ठीक है, दो हमारे ऑक्साइड कंप्लीट हुए आज के. आज ही आपको याद हो जाने चाहिए सारे के सारे ऑक्साइड. अभी तक दो हो गए कंप्लीट. अगर मैं बात करूं इसके बारे में,
तो इसके अपने प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, आप थोड़ा सा समझना बच्चों यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, समझना है बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज आपका क्या होगा बच्चों इसका, देखो यहाँ पर पहला केमिकल प्रॉपर्टी हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव वो गैस होता है, ये आपका कौन सा होता है हाईली रिएक्टिव गैस। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी NO गैस इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अब ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन जानना है हमको, तो रीजन जानेंगे तो रीजन में क्या आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन, ना नहीं समझ में आया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन, तीनों नाम एक ही है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अकेला इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको बोल देंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ठीक है। तो इसको मैं रेडिकल के टर्म में भी बोल देता हूँ, इसको मैं रेडिकल के टर्म में भी बोलता हूँ। ये भी आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होगा, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, आपका कलरलेस गैस होगा, ठीक है, कलरलेस गैस होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्यों होता है, सबसे पॉइंट वाली बात है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो वी विल सी इन स्ट्रक्चर दैट, हम स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर Na ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो काउंट करो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो तो इसमें पार्टिसिपेट कर गया है, बचे कितने, 4, वैलेंशियन में 4, 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 बना दिए। अब नाइट्रोजन के पास, बात को ध्यान से समझो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं वैलेंशियल में 5, 5 में से 2 यहां काम में आ गए, बचे कितने, 3, तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दिस इज अलोन, अलोन है ये बच्चों, मतलब ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी स्पीसीज में अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या होता है इसका मतलब, वो आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये अपने नेचर में क्या होगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, अगर ये आपका पैरामैग्नेटिक हुआ तो ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड क्या होगा बच्चों, आपका अट्रैक्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ वो मुझे बताओ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अकेला इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पीसीज पे प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल, उसको हमको स्टेबल करना पड़ता है। तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म डाइमर। ये अपने आप में क्या बना सकता है बच्चों, डाइमर बना सकता है। अगर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा तो ये 100% अपने आप में क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, इस बात को ध्यान से समझो। तो यहाँ पर Na एक ओड इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड O है, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये अपने ही जैसे एक भाई के साथ रिएक्शन कर जाएगा, अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे ओड इलेक्ट्रॉन, तो ओड इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो वहां क्या बन जाता है बच्चों, आपका एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर एक बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा, कौन सा, इस तरीके से आपका एक बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये एक्चुअली डाइमराइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली में आपके कौन से फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं बच्चों, डाइमराइज फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अगला, यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिखो,
यहाँ पर N2O लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और NO आपका हाईली रिएक्टिव होता है, NO आपका हाईली रिएक्टिव होता है, N2O आपका लेस रिएक्टिव होता है, NO आपका हाईली रिएक्टिव होता है। देखो N2O जब आपका लेस रिएक्टिव होगा तो ये N2 प्लस हाफ O2 में टूटने में टाइम लेगा, लेकिन NO आपका हाईली रिएक्टिव होता है तो ये तुरंत आपका N2 प्लस O2 में टूट जाएगा। आप बताओ कि यहाँ पर मुझे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर डेल्टा 1 ज्यादा होना चाहिए कि डेल्टा 2। अब देखो NO N2O आपका लेस रिएक्टिव है तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थोड़ा सोचो, N2O आपका हाई लेस रिएक्टिव है मतलब वो टूटना कम चाहेगा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा 2। ये पॉइंट को आप थोड़ा फोकस करके रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे आप लोगों को याद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, इसके अलावा कोई आपकी थ्योरी नहीं है। अभी हम इसका MOT भी बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ द MOT ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर मैं इसका MOT बनाना चाहूँ तो देख लेते हैं बच्चों, MOT बनाते तो मैं आपको ओड इलेक्ट्रॉन फिर मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में होते हैं, NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 16, ऑक्सीजन में 8, नाइट्रोजन में 7, तो 8 8 16 मतलब ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है 15। तो 15 के लिए जो MOT बनेगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था नाइट्रोजन में 15 के लिए MOT कैसे बनता है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर एक होगा, इस तरीके से बनाया था। अब समझ सकते हो दिस इज अ BMO स्पीसीज एंड दिस इज अ ABMO, दिस इज अ BMO अगेन, दिस इज अ ABMO, दिस इज अ बोथ आर BMO एंड दीज आर ABMO, ठीक है, वो ABMO। अब 15 इलेक्ट्रॉन भरो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो एक ओड इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक हो गया। अब एक और पॉइंट ध्यान रखो, ये इसको बोलते हैं σ1s, मैंने उस टाइम भी बताया σ स्टार 1s, इसको बोलेंगे σ2s, इसको बोलेंगे σ स्टार 2s, इसको बोलेंगे σ2px, इसको बोलेंगे इसको आप बोलेंगे पाई टू पी जेड, इसको बोलेंगे पाई स्टार टू पी वाई, इसको बोलेंगे पाई स्टार 2 पी जेड, इसको बोलेंगे σ स्टार 2 पी एक्स। ये इस तरीके से आपका होगा ABMO और BMO का। तो आप समझ सकते हो यहाँ से भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, मैंने बताया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखो। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चों, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा NO के बारे में, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड हमारा N2O3 के बारे में। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं अमोनिया वाला कंसेप्ट आपका रिपीट लेके आऊंगा। फिर मैंने जो अमोनिया में आपको ली चटलेट प्रिंसिपल बताया वही रिपीट कर रहा हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसके बाद N2O3 क्या होता है बेटा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाम आप लोगों को ध्यान रखने की कोशिश करो अभी से, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब बातों को समझना है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कैसे बना होगा, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को बनाने के लिए हमको यहाँ पर NO प्रिपरेशन मेथड, सबसे पहला इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है प्रिपरेशन मेथड बच्चों, यहाँ पर पहला NO की रिएक्शन अगर मैंने NO2 के साथ करा दी तो यहाँ पर साइन ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका N2O3 बनेगा, ये भी गैस, ठीक है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखो, ये भी गैस, यहाँ पर आपका ब्लू कलर का होगा, ये आपका कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का, और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो आपका कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब
टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका मतलब आपको किसके बारे में बताना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में बताना है। देखो टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम कैसे बताएंगे, थोड़ा सा सपोज करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि यहाँ पर दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज अ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आप लोगों को समझ में आया, दिस इज अ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड डेल्टा एनजी वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, डेल्टा एनजी वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव। तो अगर मेरी डेल्टा एनजी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं शॉर्टकट से देख लेता हूँ, सबसे पहले शॉर्टकट लगाता हूँ, अगर डेल्टा एनजी वैल्यू नेगेटिव होती तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मतलब कब इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब बात समझ में आ रही है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में आपका रिएक्शन कहाँ की ओर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, आप लोग खुद सोच के बोल सकते हो। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में आपका ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर मैंने इसका जस्ट अपोजिट किया तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब बैकवर्ड जाएगा तो रेड ब्राउन कलर बनेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो आपका कौन सा कलर बनेगा, ब्लू कलर बनेगा, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो आपका कौन सा कलर बनने वाला है, ब्लू कलर, और अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो आपका रेड ब्राउन कलर की इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। बात क्लियर है, अब बात समझना बच्चों, यहां पर थोड़ा ली चटेलर को रिवाइज कर लेते, ली चटेलर प्रिंसिपल को हम लोग रिवाइज कर लेते, तो ली चटेलर प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है बच्चों ली चटेलर प्रिंसिपल। अब ली चटेलर के हिसाब से जब भी मुझे टेम्परेचर इफेक्ट देखना होता है तो कैसे देखता हूं बच्चों मैं, बोलो, लॉग ऑफ के, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, लॉग ऑफ के डेल्टा एस नॉट 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी। बात क्लियर है, अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा एच आपका क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये अपने आप किस में बदल जाएगा बच्चों, आपके पॉजिटिव वैल्यू में, तो यहाँ पर जो एक्चुअल हो जाएगा रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2.303 आर यहाँ पर आ जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी। अगर मैं अब टेम्परेचर को बढ़ाना चाहूँ, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जब मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, ये मानो कि जब मैंने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया था तब इसमें इतनी वैल्यू जुड़ रही थी, लेकिन अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो अब इसमें एज कंपेयर टू बिफोर वैल्यू कम जुड़ रही है। सोच देखो, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, अरे थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर ये टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो पहले तो वैल्यू ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हुई, तो एज कंपेयर टू बिफोर आपकी वैल्यू कम वैल्यू जुड़ी, इसका मतलब लॉग के की वैल्यू भी क्या हुई, कम हुई, इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया बच्चों, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगा बच्चों, आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपके रेड ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपके रेड ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रिएक्शन अगर पीछे जाएगी तो रेड ब्राउन कलर की इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, और अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो आपके रेड ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होगी और ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन जेई पूछेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लेके जाएगा। और इसके बाद आपका प्रेशर इफेक्ट होता है, इसके बाद हमने टेम्परेचर तो समझ लिया, अब हम समझ लेते प्रेशर के बारे में। तो ये तो टेम्परेचर आपका वो ली चटेलर प्रिंसिपल के हिसाब से, और प्रेशर, अब देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है,
अब देखो, अब यहां पर समझो, अगर मैंने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएगा, तो रिएक्शन वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन वांट टू डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन आपके प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा, और रिएक्शन को अगर आपके प्रेशर को डिक्रीज करना है तो रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगा, रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगा, देखो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, तो रिएक्शन वांट टू डिक्रीज द प्रेशर, और रिएक्शन को अगर आपको प्रेशर को डिक्रीज करना है तो कहाँ की ओर जाएगा, रिएक्शन मूव, रिएक्शन मूव टू दैट डायरेक्शन, मैंने पहले जो लिखा था अमोनिया में वही वाला कर लेना, रिएक्शन मूव टू दैट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल विल लेस, जहां पर आपका नंबर ऑफ मोल क्या हो बच्चों, कम हो, अतः नंबर ऑफ मोल यहां पर कितने, यहां पर नंबर ऑफ मोल गैसेस का 1 है, यहां पर नंबर ऑफ मोल कितने बच्चों, 2 है, तो कहां की ओर मूव करेगा बच्चों, आगे की ओर मूव करेगा, कब करेगा, जब मैंने यहां पर प्रेशर को बढ़ाया, अगर मैं प्रेशर को कम करता, अगर मैं प्रेशर को कम करता तो वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता मतलब प्रेशर कम हुआ, रिएक्शन वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन जब आपके प्रेशर को बढ़ाना चाहता है तो वो वहां की ओर मूव करता जहां पर नंबर ऑफ मोल आपके ज्यादा होते, अगर मैं प्रेशर को कम करता तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये आपने ली चटेलर प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी अच्छे से, काफी इजीली, ठीक है, तो आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, ये तो था प्रिपरेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों, ये शॉर्टकट आप थोड़ा ध्यान रखना, HPLT हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, अब यहां पर अब देखो इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा N और इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा NO होता है, और NO2 में भी आपका क्या होता है बच्चों, NO2 में भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, NO2 में भी आपका odd इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 में भी आपका odd इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये odd इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे बच्चों, देखो इसका स्ट्रक्चर अब आपको सिंपली पता पड़ गया होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका क्या होता है बच्चों, आपका N2O3 का स्ट्रक्चर होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, N2O3 का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल, काफी इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को मुझे पता है आप लोगों को 100% ध्यान रहेगा, ठीक है, अब देखो इसके केमिकल प्रॉपर्टी, इसके केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद H2O, H2O के साथ कैसे रिएक्शन करेगा समझना बच्चों, N2O3 है, यहाँ पर +3 वाला है, अब जब भी आपके वाटर के साथ कोई रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ अगर कोई ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, इफ वाटर के साथ कोई अगर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो वो आपका क्या करेगा, ऑक्साइड, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका जो मान लिया X ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये एक्स ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही क्या बनाएगा बच्चों, एसिड बना देगा, ये एक्स ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही एसिड बनाएगा, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो देखो आप ये बताओ नाइट्रोजन का कौन सा एसिड है जिसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +3 है ना, तो HNO2 है आपके पास, दो ही है HNO2 है और एक आपका HNO3, आप बताओ +3 किसके अंदर है, केवल और केवल HNO2 के अंदर, तो ये आपका HNO2 बना लेता है, क्या बना लेता है HNO2, HNO2 वाला आपका क्या बना लेता है, ऑक्सी एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स, क्लियर हुआ, इसका नाम क्या होता है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या होगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसका नाम होगा आपका नाइट्रिक एसिड, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ, नाइट्रिक सॉरी बच्चों, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, क्या होता है इसका नाम नाइट्रस एसिड, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ऐसा होता है बच्चों ये, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रिपरेशन मेथड N2O3, N2O3 का तो हो गया हमारा,
अब हमारा नेक्स्ट आता है NO2 पे, नेक्स्ट आता है NO2 पे। मैं जो रिएक्शन बोल रहा हूँ वो रिएक्शन तो आपको 100% टमाटर से, आप लोगों की कॉपी में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना पढ़ लो, कॉपी का एक एक लाइन याद कर लो, आपके इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन इजीली बना लोगे आप लोग। अब देखो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ इस चीज का। फोर्थ आपका NO2, NO2 का क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, नाइट्रिक एसिड, ना ना इसको हमें सिंपली बोलते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपके, इसके प्रिपरेशन मेथड की आप लोग चिंता मत करो, इसके प्रिपरेशन मेथड की आप लोग चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा। तो इसके प्रिपरेशन मेथड में हम उतना नहीं जाते हैं क्योंकि मैं HNO3 में NO2 को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड बताऊंगा, बहुत सारे, इतने मेथड कि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो HNO3 को अच्छे से देख लेना, HNO3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रिपरेशन मेथड को हम HNO3 में कवर कर लेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड को हम कहाँ कवर कर लेंगे बच्चों, HNO3 में हम लोग कवर कर लेंगे। अब हम समझते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों कैसा होता है, डॉट डबल बॉन्ड, ये आपका इस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब फिर आपको देखने को मिला है कि बच्चों यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना चाहिए, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन है। ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह आपका हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, और हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ ये आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और ये कौन से कलर का है बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होता है, अभी अभी लिखवाया था मैंने रिएक्शन में, ये आपका कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा। कौन से कलर का होगा आपका ये बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। और याद ध्यान रखना इसका स्मेल कैसा होगा बच्चों, आपका पंजेंट स्मेल। कौन सा स्मेल होगा आपका यहाँ पर, यह इसका पंजेंट स्मेल होगा, इसका आपका पंजेंट स्मेल होता है। अब बात समझना, अगर मैं NO2 की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, H2O के साथ, अब फिर आपको समझना है अगर आपका बीच वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड रहेगा तो ये एक तो ऊपर वाला बनाएगा या तो नीचे वाला। जैसे यहां पर आपका प्लस फोर है, अब प्लस फोर है तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो प्लस थ्री और प्लस फाइव वाला बनेगा। अब ऑक्साइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्लस थ्री वाला आपका एसिड कौन सा होता है, HNO2, और प्लस फाइव वाला कौन सा होता है, HNO3। तो ये आपका HNO2 और HNO3 बना लेगा, क्या बना लेगा, ये आपका HNO2 और HNO3 आपका फॉर्म कर लेगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में या तो सेम ऑक्सीडेशन वाला बनता है या तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर नीचे वाला बन जाता है। देखो यहाँ पर प्लस फोर, क्या प्लस फोर का कोई एसिड है, प्लस फोर का कोई नाइट्रोजन का एसिड नहीं होता है, इसलिए ये प्लस थ्री वाला बना लेता है और प्लस फोर वाला बना लेता है। बहुत अच्छे से बताऊंगा हाइड्रोलाइसिस, पहले इतना इतना समझते जाओ, ठीक है, पहले इतना इतना आप लोग समझते जाओ, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये तो था आपका NO2 के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं यहां पर HNO2 में आपका कौन सा होगा नाइट्रोजन, आपका प्लस थ्री होगा। HNO2 में आपका नाइट्रोजन कौन सा होगा बच्चों, प्लस थ्री होगा, और यहां पर क्या होगा बच्चों, प्लस फाइव। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H का प्लस वन रख लेना, ऑक्सीजन का माइनस टू, तो आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट, अब हम चलते बच्चों यहां पर N2O5। अब देखो N2O5 कैसे बनता है उसको समझना है, N2O5 का प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। N2O5 डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये कैसे प्रिपेयर होगा बच्चों, ये आपका कैसे प्रिपेयर होगा उसके बारे में सोचते हैं। देखो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सबसे पहले इसके मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं आप लोगों को, स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखना है। यहां पर आपका ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके एलएन के बीच ऑक्सीजन है,
समझ में आया? ये एक ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें आपके एनएन के बीच ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका व्हाइट कलर, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है बच्चों, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये यहाँ पर आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, जो कि आपके कौन से कलर का होता है, येल्लो कलर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने वो बताने वाला हूँ बच्चों, ये आपका येल्लो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येल्लो कलर। अब येल्लो कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब NO2 के प्रेजेंस होने की वजह से यहां पर क्या है बच्चों, ये इसका कलर येलो कलर का होता है। मतलब NO2 अगर आपका प्रेजेंस नहीं होता तो ये आपका येलो कलर का नहीं होता। अब सॉलिड है, सॉलिड में कंपाउंड आपके आयोनिक फॉर्म में रहते हैं। सॉलिड में कंपाउंड आपके कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, आयोनिक फॉर्म में। तो मतलब N2O5 आपके आयोनिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, NO2+ में और NO3- में। तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट इसका नाम होगा। दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं। अब इसका प्रिपरेशन मेथड जान लेते हैं, अब इसका प्रिपरेशन मेथड जान लेते हैं, और साथ साथ बच्चों आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहना। अब इसका प्रिपरेशन मेथड जान लेते हैं, तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों, समझना, इसका प्रिपरेशन मेथड आप लोगों का क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर मैंने HNO3 की रिएक्शन P2O5 के साथ करा दी तो यहाँ पर आपका N2O5 बन जाता है और HPO3। ये फिर बताऊंगा मैं, रिपीट होगी रिएक्शन, रिएक्शन आपकी रिपीट होगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ रिपीट हुई है। तो ये मैं एक और बार बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो। इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाफॉस्फेट, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाफॉस्फेट। क्लियर हुआ बच्चों, ये पॉइंट थोड़ा सा समझो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा खत्म होता है बच्चों, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हमारा कौन सा खत्म होता है बच्चों, इस तरीके से हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन खत्म होता है। नाउ अब हम चलते बच्चों ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाउ अब हम चलते बच्चों को कहां पर, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देख लेते बच्चों, यहां पर ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हम लोग, देख लेते ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन तो देख लेते हैं, अब ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों समझेंगे। देखो ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऐसा ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, जिसमें आपका कौन हो, ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिसमें ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आपको समझना है ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है। देखो इसके मैं बहुत सारे ऑक्सी एसिड के नाम बता देता हूं, जैसे H2N2O2, इसको बोलते हैं हाइपो, इसको बोलते हैं हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड, ठीक है। एक होता है हमारा H4N2O4, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एक और होता है हमारा HNO2, क्या होता है, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। और एक होता है हमारा HNO3, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। और एक होता है हमारा HNO4, इसको बोलते हैं परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। अब पॉइंट वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर परऑक्सो है, मतलब यहां पर एक OO लिंकेज प्रेजेंट है, यहां पर एक OO लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज आपका प्रेजेंट है। यहां पर आपका कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, परऑक्सी लिंकेज आपका प्रेजेंस है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन
एन ओ एच ओ एच, ठीक है। ये आपका कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर एन एन आपका ओ एच ओ एच इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इस पॉइंट को समझेंगे, यहां पर इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, यहां पर आप लोगों का ये किस तरीके से होगा एन एन ओ एच ओ एच, ठीक है। यहां पर आपका दो दो ओ एच प्रेजेंट होंगे, यहां पर आपके कितने ओ एच प्रेजेंट होंगे, दो ओ एच, यहां पर आपके दो ओ एच आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब वो HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, OH बना लो, N बना लो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, OH बना लो, N बना लो, एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, एक डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर कैसा होगा, O O H N डबल, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपके इन सब के स्ट्रक्चर है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने OH है, यहां पर दो ओ एच है, यहां पर कितने ओ एच है, चार ओ एच है। एक दो बार अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट वाली बात ध्यान क्या रखनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन मैंने ये बताया था बच्चों आप लोगों को, कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो HNO3 बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो यहां तक आप लोगों को सबसे पहले याद कर लेना है ऑक्सी एसिड क्या होता है। ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एटम के साथ साथ आपका कौन सा एटम प्रेजेंट हो बच्चों, हाइड्रोजन एटम आपका प्रेजेंस हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का होगा तो नाइट्रोजन होगा, अगर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस होगा तो फास्फोरस के साथ आपका प्रेजेंस होगा। ये इन शॉर्ट है याद रखने के लिए, इन शॉर्ट व्यू में मैंने बताया, ये आपका परफेक्टली नहीं है, ये आपका परफेक्टली नहीं है, इन शॉर्ट व्यू के हिसाब से मैंने आपको बताया, परफेक्टली कुछ और होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन हाइपोनाइट्रस एसिड, हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन हाइपोनाइट्रस एसिड, बोलो, दो। हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन नाइट्रोक्सिलिक एसिड, फोर। हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन HNO2, वन। हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन HNO3, वन। हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट इन HNO4, परोक्सो एसिड, नो। यहां पर तो OH है ना, यहां पर परोक्सी लिंकेज है, परोक्सी लिंकेज है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है बच्चों, होमवर्क आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको सबका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को कैलकुलेट करना है, आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई, दिस इज अ होमवर्क, आपके सबके नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने। इसका थोड़ा देखोगे तो प्लस थ्री आएगा, इसका आएगा प्लस वन, कैलकुलेट करो प्लस वन, इसका आपका आएगा प्लस वन, इसका आपका आएगा प्लस टू, इसका आपका आएगा प्लस थ्री, इसका आपका आएगा प्लस फाइव, ठीक है, और इसका भी आपका आएगा प्लस फाइव। तो आप सबका कैलकुलेट करो खुद से एक बार, क्या ये आ रहा है, अगर ऐसा आएगा तो 100% आप लोगों का सही है, ठीक है, इतना आप लोगों को याद करना है अभी तक। आप देखो HNO3 के बारे में मैं आपको बताता हूं, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन इज HNO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट
most important oxy acid of nitrogen is? Oxy acid of nitrogen is HNO3। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सी एसिड कौन सा है बच्चों? आपका HNO3। तो HNO3 का स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, HNO3 का स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमको क्या जानना है? HNO3 का स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बताया था, अब हमको इसका प्रिपरेशन मेथड जानना है। तो देख लेते हैं एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहां से लेने वाला हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को समझना है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं लेने वाला हूँ यहाँ से। इस पॉइंट से ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देख लेते सीएल, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर NaNO3 के साथ अगर मैंने H2SO4 का रिएक्शन करा दिया तो क्या करेगा ये? अपना एक H प्लस इसको देगा, तो NaHSO4 बना लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? Na यहाँ पर HNO3 बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक पहला प्रिपरेशन मेथड है, ये तो पहला प्रिपरेशन मेथड है आपका। सब में आपका क्या होगा? एक्वस। समझ में आ गया? ये इस तरीके से चलेगा। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रिपरेशन मेथड। अभी अभी बताया बच्चों, आप तो याद हो गया होगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज अ फॉर्मेशन ऑफ HNO3। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज अ यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ HNO3, बट फर्स्ट स्टेप ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज प्रोड्यूस NO गैस। तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका, इसका फर्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। ये ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टेप वन में क्या होगा? NH3 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दी तो यहां पर क्या बनेगा? NO बनेगा और यहां पर क्या बनेगा? H2O। ठीक है, यहां पर 4, 5, 4, 6, बात क्लियर है? यहां पर ये इस तरीके से आपका बन गया, बात समझ में आया? अब यहां पर चलते हैं हम लोग स्टेप टू पे। अब देखो स्टेप टू पे क्या होगा बच्चों, यहां पर स्टेप टू पे आप लोगों का क्या होगा बच्चों, यहां पर देख लेते हैं। स्टेप टू में क्या होगा? जो आपका NO होगा वो आपका O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NO2 गैस। क्या बना लेगा? NO2 गैस। क्या बना लेगा आप लोगों का यहां पर? NO2 गैस आप लोगों का यहां पर फॉर्म कर लेगा, यहां पर आप लोगों का NO2 गैस को फॉर्म कर लेगा। और NO2 गैस आपकी कौन से कलर की होगी? रेड ब्राउन कलर की। कौन से कलर की होगी? रेड ब्राउन कलर की होगी, बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये आपका इक्विलिब्रियम पर होगा रिएक्शन, या फिर इसको मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ऐसा नहीं कि आगे जाके समझ में आ जाएगा ये सब। अगला स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में आप लोगों का जो NO2 है वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कुछ अमाउंट में HNO3 पर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लस फोर है, तो प्लस फोर वाला HNO2 भी प्रोड्यूस करेगा और आपका HNO3 भी प्रोड्यूस करेगा। अब कंफ्यूजन वाली बात है, अब HNO2 आपका तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? H2O और NO के अंदर, H2O और NO के अंदर, तो तुरंत आपका कन्वर्ट आपका हो जाएगा H2O और NO के अंदर। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये आपका तुरंत किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? NO के अंदर। तो यहाँ पर NO निकलेगा। अब यहाँ से NO निकला तो अब मैं इसको साइक्लिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर रिसाइक्लिंग करने के लिए आपको कौन मिल जाएगा? NO मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिसाइक्लिंग करने के लिए कौन मिल गया? NO मिल गया। अब जो यहाँ पर HNO3 मिलेगा वो प्योर नहीं होगा, वो 68% होगा बाई वेट, और इसके अंदर क्या होगा प्रेजेंट? इसके अंदर H2O प्रेजेंट होगा। 32% क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? H2O। अब H2O और HNO3 आपस में कौन सा इंट्रैक्शन होता है इनके बीच? इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन होने की वजह से ध्यान रखना बच्चों, ये आपको फिजिकल में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा जो मैं बता रहा हूं अभी से ही फोकस करो।
negative deviation toward Raoult law. Negative deviation toward Raoult law. Raoult law पे negative deviation दिखाएगा. अब Raoult law क्या है ये आपको आगे समझने को मिलेगा. ठीक है, negative deviation toward Raoult law. तो इसका मतलब ये आपका क्या बनाएगा, azeotropic mixture. क्या बनाएगा, azeotropic mixture. अब azeotropic mixture आपका कैसा बनाएगा बच्चों, azeotropic mixture आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनाएगा. कौन सा बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा. और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनाएगा तब हम इसको कैसे निकालेंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पर 98% अगर मुझे HNO3 ऑब्टेन करना है तो कैसे निकालेंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कैसे निकालेंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मैं अभी कर्व नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं अगर कर्व बनाऊंगा तो आप लोगों को फिर सॉल्यूशन में क्या पढ़ पड़ोगे, आप लोग फिर सॉल्यूशन में क्या पढ़ पड़ोगे. तो इसीलिए मैं अभी कर्व नहीं पढ़ पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझो, यहाँ से जो HNO3 मिलता है वो 68% बाय वेट होता है, उसके साथ 32% ऑफ H2 होता है, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन होता है. और जहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड Raoult law. अब अगर यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड Raoult law होगा तो यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनेगा. अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनता है, और अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनता है. पॉजिटिव डेविएशन होता है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनता है, और अगर नेगेटिव डेविएशन होता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला बनता है. और यहाँ पर फिर हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं. क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से मेरा 98% HNO3 मुझे मिल जाएगा. अब ग्राफ तो बेटा ग्राफ में अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, ग्राफ आपको फिजिकल में पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो इसका ग्राफिकल प्रूफ भी है. ठीक है, आई होप तो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मुझे रिएक्शन को अप्रोच करना है. आप अगर रिएक्शन के बारे में जानोगे तो आप लोगों को रिएक्शन के बारे में जानोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इस तरीके से HNO3 का हमारा रिएक्शन था. अब हम आगे का देख लेते हैं, आगे का प्रिपरेशन मेथड. ये तो था हमारा ओस्टवाल्ड. ओस्टवाल्ड के बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज कॉल्ड बर्कलैंड आर्क मेथड. दैट इज कॉल्ड बर्कलैंड आर्क मेथड. और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का हेक्टिक ना हो. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला प्रोसेस सी, बर्कलैंड आर्क मेथड. अब क्या होता है हमारा बर्कलैंड आर्क मेथड सी, ईयर यहां देखेंगे. अब देखो बर्कलैंड आर्क मेथड इट इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3. क्लियर है बात, HNO3 को प्रिपेयर करने का एक अच्छा मेथड है ये. ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, N2 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवा दिया, टेम्परेचर मुझे क्या रखना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर मुझे 1200 केल्विन से भी ज्यादा रखना पड़ेगा. टेम्परेचर मुझे कितना रखना पड़ेगा, 1200 केल्विन से भी ज्यादा रखना पड़ेगा. तो 2000 केल्विन से ज्यादा, 2000 केल्विन से ज्यादा मुझे टेम्परेचर को रखना पड़ेगा. और साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क. मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखा, अभी मैंने लिखवाया था, इलेक्ट्रिकल स्पार्क देना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2NO. अब 2NO की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवा दिया तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, NO2. अब NO2 का रिएक्शन फिर मैंने H2O के साथ करवा दिया तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, HNO3. फिर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर HNO3. फिर यहाँ पर HNO3 और NO निकलेगा. अब ये NO को रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये प्रोसेस तो आप अब बार बार समझ गए, रिसाइकलिंग कर सकते हैं. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिसाइकलिंग कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो मुझे HNO3 मिला है वो क्या मिला है बच्चों, यहाँ पर 98, यहाँ पर 68% है, 68% बाई वेट है. फिर वही प्रोसेस, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, HNO3 मिल जाएगा, जो कि आपका 98% प्योर होगा, 98% प्योर होगा. आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ पर बर्कलैंड आर्क मेथड.
अब HNO3 होता कैसा है, बहुत बड़ी बात है, HNO3 होता कैसा है तो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। यहां पर फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, कल हम केमिकल प्रॉपर्टी करके फॉस्फोरस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्योर HNO3, प्योर HNO3 इज कलरलेस। प्योर HNO3 आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। प्योर HNO3 आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। एंड इम्प्योर HNO3, एंड इम्प्योर HNO3, इम्प्योर HNO3 आपका कैसा होता है बच्चों, यहां पर येल्लो इन कलर, कैसा होता है येल्लो इन कलर, येल्लो इन कलर आपके कलर में कैसा होता है इम्प्योर येल्लो, क्यों बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस, कौन से NO2 गैस के प्रेजेंस होने की वजह से ये आपका इम्प्योर HNO3 आपका येलो इन कलर होता है, क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 गैस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर कि अगर मैंने HNO3 को ऐसा लिखा HNO3 प्लस NO2 दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग HNO3, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्यूमिंग HNO3, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 350 केल्विन, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो आपका होता है 250 केल्विन। ठीक है, हाँ इतना होता है, सही है सही है, इतना ही होता है बच्चों। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एलिमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी रखता है ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी रखता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आपका स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी रखता है। थर्ड, यह आपका स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी रखता है। अब स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि स्किन पर यह आपका बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी मतलब ऑन स्किन इट क्रिएट बर्निंग सेंसेशन, इट क्रिएट व्हाट, बर्निंग सेंसेशन। इसका मतलब अगर स्किन पर अगर आपका HNO3 आता है तो वो क्या क्रिएट करता है बच्चों, आप लोगों का बर्निंग सेंसेशन, क्या क्रिएट करेगा, बर्निंग सेंसेशन, इस पॉइंट को ध्यान रखो। अब बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करेगा, और बर्निंग सेंसेशन तो क्रिएट होगा, साथ में क्या होगा, एक ब्लिस्टर क्रिएट करेगा। ब्लिस्टर का मतलब आप लोग नहीं समझ पाओगे, स्किन पे ब्लिस्टर क्रिएट कर देगा, मतलब समझो अगर कोई आयरन है, आयरन आपकी स्किन पर आएगी तो वहां पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, स्किन आपकी थोड़ी फूल जाएगी, मतलब उस टाइप का आपका ब्लिस्टर क्रिएट होगा, मतलब फपोले बोलते हैं हम लोग, तो वो आपके क्रिएट आपके हो जाएंगे बबल टाइप के, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर। तो ये स्किन पर आती है, सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करेगा, और वहां पर क्या क्रिएट हो आपके हो जाएंगे ब्लिस्टर। तो स्किन से अपने आप को दूर रखो, HNO3 से अपने आप को दूर रखो, यही एक तरीका है इससे बचने का, और कुछ नहीं है। चलो आई होप सो कि अब आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीजन एलिमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक का लेक्चर काफी इजीली, काफी सिंपली वे में समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।